हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले एक न्यू नोटिस जो कि आया है आरआरबी जेई का। फ्रेंड्स देखिए, आपको बता दूं ऑलरेडी, मैं आज लास्ट तारीख है 31 जनवरी। आपको क्या करना है, नोटिस जो है उसको तो देखना ही है और आपको एग्जाम फॉर्म भरना है आज। और फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं और प्लस बात करने वाले हैं 29 तारीख जो लग गई थी 12 बजे, उस तक का डेटा देखने वाले हैं कि कितने ज़्यादा जो पोस्ट हैं, कितनी जगह पर कितनी पोस्टें भरी जा चुकी हैं और टोटल कितनी पोस्ट भर गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरे देखिएगा अंत तक, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप अनअकैडमी पढ़ते हैं, अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, यहाँ से सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री। अगर आप टेक्निकल के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और टेक्निकल भी पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स सारी वीडियोस आपको अनअकैडमी मिल जाएगी। अनअकैडमी की जो लिंक रहेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और किसी भी वीडियो की आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और टेक्निकल, उन सभी की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप भी वही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोनों के दोनों लिंक जो है उन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेफिनेटली एग्जाम में फायदा होने वाला है और टेक्निकल भी मिल जाएगा, लेकिन टेक्निकल कम मिलेगा। देखिए, जो मेजर क्वेश्चन रहेंगे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन जो रहेंगे फ्रेंड्स, अगर आपने मैकेनिकल लिया है तो मैकेनिकल के लिए मैं बता दूँ, कुछ आप भी हम आपको तैयारी करना चालू करा देंगे सीबीटी 2 के लिए, लेकिन सीबीटी 2 का जो हम बहुत मेजर क्वेश्चंस ही वहाँ पर देंगे। ओके, पहले सीबीटी 2 का हम क्लियर करेंगे, जो सीबीटी 2 होगा उसको पहले क्लियर करेंगे, कोर्स करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे मैं आपको बताते रहूँगा कि ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, उसको हम बाद में भी रिवाइज करेंगे, लेकिन बेसिक हम जो है मैकेनिकल का जो है करते जाएंगे, मैकेनिकल का भी करेंगे और इलेक्ट्रिकल का भी धीरे धीरे हम करते जाएंगे। तो फ्रेंड देखिएगा, इस वीडियो को पूरे देखिए अंत तक, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन भी मिलने वाला है आपको और डेटा भी मिलने वाला है, कितनी वैकेंसीज किस जोन में भर चुकी हैं। मैं बताऊंगा कितने फॉर्म किस जोन में भर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ऑनलाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो है आपको तीन नोटिफिकेशन दिख रहे होंगे न्यू। देखिए, एक तो 2 तारीख का है, 2 जनवरी का, 31 दिसंबर का है और एक है ये। ठीक है, यहाँ पर सारी जो है नोटिफिकेशन दिखा हुआ है। फ्रेंड देखिएगा, ये जो है वो देखिए बता दूँ, ये जो है 2 जनवरी का यहाँ पर आपको दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, देखिए यहाँ से पूरा आप फॉर्म भर सकते हैं, आपका लास्ट डेट है इसलिए। ओके, और यहाँ पर से आप क्लिक करेंगे, इंग्लिश वर्जन जो है आपका डॉक्यूमेंट का, जो आपका नोटिफिकेशन का डाउनलोड हो जाएगा वो आप देख सकते हैं। देखिए डाउनलोड हो जाने दीजिए, उसको देख लेते हैं। और यहाँ से आप इंग्लिश भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट पॉसिंग मोर देन वन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। वन मिनिमम मतलब एक से, तो देखिए यहाँ पर कम से कम आपको एक ऐसी क्वालिफिकेशन डाउनलोड करनी होगी जो कि उन्होंने आपको स्क्रीन में बताई है। ठीक है, मैप्ड इन टू डिफरेंट एग्जाम ग्रुप, कैन चूज एनी वन एग्जाम ग्रुप, प्रोवाइड ही एंड शी ऑप्ट फॉर द पोस्ट हुज एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज मैप टू द चूज एग्जाम ग्रुप। हाउएवर द कैंडिडेट वुड बी एलिजिबल फॉर ऑल द पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद देख लेते हैं। और देखिए ये एक और दिया हुआ है उसी के जैसा, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हिंदी में भी आपको लिखी हुई है। तो ये जो है आपको पढ़ लेना है और आपको अब मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए अब बता दूँ मैं आपको, वन बाई वन बता देता हूँ किस जून में कितने फॉर्म भरे गए हैं। 30 तारीख तक यानी कि 29 12 बजे तक, 29 की रात तक 12 बजे तक कितने फॉर्म भरे हैं। मुंबई में 1,60,000, चेन्नई में देखें तो 1,45,321 फॉर्म, सिकंदराबाद में देखें तो फ्रेंड्स 10,05,604 फॉर्म, इलाहाबाद की बात करें इलाहाबाद में 95,322 फॉर्म, चंडीगढ़ में देखें तो चंडीगढ़ में 84,532 फॉर्म भरे गए, कोलकाता में अभी तक भरे हुए 80,215 फॉर्म, बेंगलोर में देख लीजिए, बेंगलोर में 72,421 फॉर्म भरे गए हैं, अजमेर में भरे गए हैं 40,657 फॉर्म्स, अहमदाबाद देख लीजिए, अहमदाबाद में भरे गए हैं 34,658 फॉर्म्स, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में भी 28,321 फॉर्म भरे गए हैं, भोपाल में देखें तो भोपाल में भी 28,539 फॉर्म भरे गए, भुवनेश्वर में देखें तो भुवनेश्वर में भी 24,578 फॉर्म भरे जा चुके हैं।
देखिए फॉर्म फ्रेंड, देखिए यहाँ पर सबरे सब जितने भी आपको दिख रहे हैं वो डेटा जो है 2 दिन पुराना है, नया नहीं है, नया अभी मिलेगा जब आपको देखिए फॉर्म भर जाएंगे। हो सकता है आज रात को मुझे ये डेटा है मिल जाए। गुवाहाटी 22,765, त्रिवेणपुरम में देखें तो देखिए 22,163, बिलासपुर में देखें तो बिलासपुर में देखिए आप 20,431 फॉर्म, और जम्मू एंड श्रीनगर की बात करें जम्मू एंड श्रीनगर 19,235, पटना की बात करें तो पटना में 17,228 फॉर्म ओनली, रांची की बात करें तो रांची की 16,437 फॉर्म, सिलीगुड़ी यहाँ पर बहुत कम फॉर्म है 5,284 फॉर्म, मुजफ्फरपुर 4,374, और मंडला में सबसे कम है 4,258 फॉर्म। तो देखिए टोटल मिला के बात करें तो 9,10,286 फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक। कल की डिटेल बता दूं, कल रात की नहीं कहूंगा मैं, उसको परसों रात की बोलूंगा जो है डिटेल बता रहा हूं फ्रेंड्स। और इसमें हो सकता है 20-25 हज़ार फॉर्म और भी भरे जा चुके हों, क्योंकि जो जितना भी लास्ट टाइम होता है उतने ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड मैं कभी भी कोई भी एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ तो आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ टॉप 500 प्लस जीके जीएस कोर्स के और आरआरबी जेई के लिए जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके। तो देखिए क्वेश्चन है एमसीक्यूज, बहुत टॉप एमसीक्यूज है जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं और एक्सपेक्टेड हैं। देखिए फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, जो फुल लेंथ वीडियो उसको जाकर देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है न्यूक्लियॉन क्या है, न्यूक्लियॉन क्या है बताना है आपको, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम क्या है अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके क्वेश्चन में मुझे बताइएगा क्या है ड्यूटेरियम, तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सबसे भारी सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताना है आपको, तो कहा जाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक अल्फा कण में होता है 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और 4 मास यूनिट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सोडियम के परमाणु संख्या आपको दी गई है 11 और उसका द्रव्यमान दिया है 13, तो इसमें होंगे क्या होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो ये होगी सिंपली देखिए 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 12 क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो देखिए क्या होता है पहले तो जान लीजिए 17 होता है, 17 कैसे होगा, 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर क्या होगा, 7 होगा, यही ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है और सी हमारा सही रहेगा। ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए और कैंसर का इलाज का इस्तेमाल में किए जाने वाला आइसोटॉप बताना है, तो यूरेनियम 235 भी नहीं है, Na-24 नहीं है, आयोडीन ये भी नहीं है, तो हमारा क्या है C060 हमारा आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एक अल्फा स्कैटरिंग का प्रयोग, कुछ अल्फा कण प्रतिक्षिप्त होते हैं, इसे क्यों होते हैं बताने हैं, तो ये क्यों होते हैं, ये क्या होता है, क्यों होते हैं, परमाणुओं का जो धनात्मक आवेश होता है वो बहुत कम होता है इसलिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, परमाणु का द्रव्यमान संख्या आपको दी है 37 और परमाणु संख्या दी है 17, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो 17 होगी प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी जिसमें के और एल जो सेल होते हैं वो पूर्ण भरे हों, तो के और सेल जो होंगे पहले 2 आएगा फिर 8 आएगा, कितने जाएंगे 10, तो टोटल करके 10 हमारा आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, मनुष्य द्वारा आमतौर पर पेशाब में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन पाया जाता है, सी विटामिन पाया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये टॉप 25 क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया, तो हेमिंग्स ने किया, किसने किया, हेनिंग ने, हेमिंग्स नहीं है, हेनिंग ने किया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सूर्य उदय और सूर्य अस्त होते समय जो सूर्य का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है बताना है आपको, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्रकिरण के कारण ये होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जो स्टार का रंग है वो किसका संकेत होता है, किसका संकेत होता है, तापमान का होता है, पृथ्वी से दूर जाने का होता है, सूर्य से दूर जाने का होता है, या फिर चमकने का कारण होता है, तो आंसर है तापमान का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एलिसा परीक्षण जो है किसके निदान के लिए किया जाता है या नियोजन किया जाता है, पोलियो को वायरस के लिए, एड्स के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए या कैंसर के लिए, तो आंसर रहेगा एड्स के लिए।
तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनसे भी अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टॉप 500 प्लस जीके जीएस कोर्स में, या फिर आप देख सकते हैं आरआरबी जेई की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छे लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो मेरे लाइक वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।